स्टूडेंट्स बेटा हम एक्सरसाइज 1F का अब 13 क्वेश्चन करेंगे। अभी हमारी वही एक्सरसाइज बेटा कंटिन्यू है, ठीक है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इफ एक्स इज कट टू 9 - 4√5 फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², ठीक। तो हमें ये एक्स की वैल्यू दी है बेटा, तो हम पहले 1/x की वैल्यू निकालेंगे। क्यों? चूंकि हमें एक्स स्क्वायर और 1/x का स्क्वायर करना है, ठीक। तो हम 1/x की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? 1x की जगह ये वैल्यू को डाल देंगे। फिर हमें अब चूंकि डिनोमिनेटर में कौन है, रूट है, इसे आप रैशनलाइज करेंगे इसके अपोजिट साइन से, ठीक है। ऊपर नीचे क्या कराएंगे? मल्टीप्लाई। तो 9 - 4√5 को 9 + √4√5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, एज इट इज आ जाएगा। a - b (a+b) = a² - b² 9 का स्क्वायर हो गया 81, 4 का स्क्वायर 16, रूट 5 का स्क्वायर 5, 16 5 जा 80, 81 - 80 = 1। ऊपर वाला बेटा ऐसे रहेगा। तो आपके पास क्या गया? 9 + 4√5, ठीक। अब आपको x + 1/x की वैल्यू हम पहले निकाल लेते हैं, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या है? 9 - 4√5 प्लस 1/x की वैल्यू हमने ये निकाली है, ठीक है। 9 + 4√5 प्लस का और माइनस का सेम टर्म क्या हो गया? कैंसिल। 9 + 9 मिलकर हो गया 18, ठीक। अब आपको वैल्यू किसकी निकालनी है? x² + 1/x² की। अब हमारे पास फॉर्मूला होता है x² + 1/x² = x + 1/x² - 2x (1/x). तो इसकी वैल्यू कितनी थी? 18। ये 2 ऐसे आ गया। 18 का स्क्वायर यानी 18 × 18 = 324 - 2 = 2 कितना हो गया? 322, ठीक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका x = 5 - √21/2 फाइंड द वैल्यू ऑफ x + 1/x। अगेन हम 1/x की वैल्यू निकालेंगे, तो 1/x की वैल्यू को डाल देंगे। 2 कहाँ चला जाएगा? ऊपर, ठीक है। तो ये आ गया आपका। अब इसे हमें रैशनलाइज करेंगे, तो इसकी अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराएंगे। 2 × this तो ऐसे आ जाएगा, और a - b (a+b) बनेगा a² - b². तो 5 का स्क्वायर हो गया 25, 21 का स्क्वायर हो गया 21, और 25 - 21 को माइनस करेंगे आएगा 4, ठीक। अब क्या करेंगे? अब 2/4, तो 2 से 4 को कट कर दिया, ठीक है। 5 + √21/2, ठीक। अब क्या है? x + 1/x की वैल्यू डालनी है। तो x की वैल्यू तो हमारे पास ये गिवन थी, प्लस क्योंकि यहाँ पे प्लस है, और ये हमने 1/x की वैल्यू को निकाला है। अब हम एलसीएम लेंगे, 2 आएगा। जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो ऊपर के टर्म एज इट इज आ जाते हैं, ठीक है। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, बाहर प्लस है तो साइन चेंज नहीं होगा, और प्लस का √21 माइनस के √21 से कैंसिल हो जाएगा, और 5 + 5 कितना हो गया? 10/2। 2 से 10 को कैंसिल करोगे तो 2 × 5 = 10, ठीक है। आंसर कितना हो गया? 5, ठीक। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए की वैल्यू दी आपको 3 - 2√2 फाइंड द वैल्यू ऑफ a² - 1/a², ठीक। अब आपको पता है a² - b² की वैल्यू होती है a - b (a+b), तो यहाँ पे a² - 1/a² है, तो ये हो जाएगा a - 1/a (a+1/a). अब आपके पास a दे रखा है, तो हमारा पहला काम क्या होगा? 1/a की वैल्यू को निकालना, ठीक। तो हम निकालेंगे 1/a।
आप 1/3 माइनस 2√2 इसकी अपोजिट साइन से ऊपर नीचे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे एज इट इज आ गया, a माइनस बी ए प्लस बी करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया, 3 का स्क्वायर हो गया 9 एंड 2 का स्क्वायर 4, रूट 2 का स्क्वायर 2, ये क्या हो गया 4 × 2 = 8, तो 9 − 8 = 1, ऊपर वाला बेटा ऐसे आ जाएगा। तो 1 को किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो इटसेल्फ आंसर आ गया। ठीक, अब आपके पास 1/a की वैल्यू निकल आई। अब ए स्क्वायर माइनस 1/a² की वैल्यू आपको बताई थी अभी, a माइनस बी ए प्लस बी की फॉर्म में हमने इसको लिख दिया। अब a की जगह a की वैल्यू माइनस 1/a की जो वैल्यू निकाली है वो यहाँ डाल दी, तो ये हो गया a माइनस 1/a की वैल्यू, ये हो गई। दूसरी ब्रैकेट में हो गया ये a हो गया प्लस ये 1/a की वैल्यू हो गई। ठीक है, अब यहाँ माइनस है, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइन चेंज होगा, ये प्लस की जगह क्या हो गया बेटा माइनस। अब माइनस 3 और प्लस 3 दोनों कैंसिल हो गए, ये दोनों सेम रूट वाले इसलिए इन्हें ऐड कर लेंगे क्योंकि दोनों का एक है माइनस के, तो −2 − 2 −4√2 ही हो गया। ठीक, और यहाँ पर ये दो टर्म कैंसिल हो रहे हैं, 3 + 3 मिलके कितना हो गया 6। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे, आपको बताया था रूट वाला नंबर रूट से मल्टीप्लाई होता है और नंबर नंबर से, तो 6 × 4 = 24 ± √2, ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब इसका ये 16 क्वेश्चन बच्चों आपको खुद करना है। इफ एक्स इज इक्वल टू √13 + 2√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स माइनस 1/x। ठीक है, इसमें पहले 1/x निकालना और फिर इसको सॉल्व करना। ठीक, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपका है 17 क्वेश्चन। इफ एक्स बराबर 2 + √3 फाइंड द वैल्यू ऑफ x³ + 1/x³। ये x की वैल्यू है, तो पहले हम क्या निकालेंगे, 1/x की वैल्यू निकालेंगे, 1/2x की वैल्यू वो यहाँ पर डाल दी। अब इस टर्म को हम रैशनलाइज करेंगे कैसे, इसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे क्या कराया हमने, मल्टीप्लाई। ठीक, तो ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होगा एज इट इज आएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये बेटा पीछे माइनस है, ठीक है, ये ब्रैकेट है। अब 2 का स्क्वायर 4 हो गया, √3 का स्क्वायर 3 हो गया, 4 − 3 = 1, ऊपर वाला टर्म ऐसे, तो ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, 1/x की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हमारे पास EQ + BQ फॉर्मूला होता है, x³ + 1/x³ = 2 फॉर्मूला होता है आपका, देखो ये होता है फॉर्मूला, EQ + BQ = 2 a + b³³ − 3ab a + b, ये फॉर्मूला होता है, तो b की जगह क्या लिख लेंगे 1/a। ठीक, तो ये आपका फॉर्मूला लिख दिया हमने। ठीक है, ये x और ये x कैंसिल हो जाएगा, अब क्या करेंगे, x प्लस ये 1/x की वैल्यू यहाँ पर डाल दी −3, x प्लस 1/x की वैल्यू ये डाल दी। ठीक है, −3 + 3 कैंसिल, 2 + 2 = 4 का होल क्यूब, यहाँ भी ये कैंसिल हो रहा है प्लस और माइनस सेम टर्म, 2 + 2 = 4 and 3 कितना हो गया 12, 64 - 12 = 52। ठीक है।